प्रणाम कहना भाभी। खुश रहो निमी। बच्चे उठ गए? ओहो, इतने सीधे तरीके से कभी उठे हैं? माता जी की पूजा और आरती हो जाए उसके बाद सबको उठाती हूँ। प्रणाम बड़ी भाभी। प्रणाम निमी भाभी। ओए सिमरन, तूने साड़ी तो आज बड़ी कमाल की डाल रखी है। हाँ, सच कह रही, बड़ी सोनी लग रही है। आज से ये साड़ी आपकी। ओए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लेकिन मैं ये बोल रही थी ना कि बातें बंद, जल्दी करो, देर हो गई तो। हेलो एन्नू, देखो एक मिनट रिया, मैं लगा देती हूँ, तू घड़ी पहन ले। थैंक्स भाभी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओए विलायत वाली, ये गुड मॉर्निंग शुड मॉर्निंग तो ठीक है, लेकिन अब प्रणाम करना भी सीख ले, वरना माँ जी जो है ना। बातें बंद, माँ सब पूजा के लिए छत पे पहुंच गई होगी, जल्दी चले। राम राम मासा। प्रणाम माँ जी। प्रणाम मासा। प्रणाम मासा। खुश रहो, जीती रहो, सदा सुहागन रहो, खुश रहो। ये जरूरी नहीं कि जब घड़ी सुबह के 6 बजाए तभी तुम सबका यहां पर आना हो। आज हम तुम सबसे पहले मंदिर में आ गए क्योंकि हम सिर्फ भोर होने का इंतजार करते हैं, सुबह के 6 बजने का नहीं। मां साहब, आप जैसा कह रही हैं कल से ऐसा ही होगा।
आरती लीजिए। सुनो सा, अब आप नाश्ता कर ही डालो, और हाँ अपनी दवाइयां लेना मत भूलना नाश्ते के बाद वाली। क्यों? आज ये शुभ काम आपके हाथों से क्यों नहीं? आपको रात को बताया था ना, हमें पंडित जी के पास जाना है अपने कार्तिक की शादी की बातचीत के लिए। बताया था ना? हाँ हाँ बताया था, परंतु उस समय एक सवाल हम करना चाहते थे जो नहीं कर पाए। तो आप पूछ लीजिए। हम ये कह रहे हैं कि आपको उसकी शादी की इतनी जल्दी क्यों पड़ी? अभी अभी तो उसकी नौकरी लगी है, और फिर उसकी उम्र ही क्या है। हाँ हाँ हमें पता है, हमीने पैदा किया है उसे भी, और हमें उसकी शादी की कोई हड़बड़ी नहीं है। वो तो पंडित जी का फोन आया था। क्यों? अब हमें क्योंकि क्या खबर। वैसे पंडित जी की बातों से लग रहा था कि उन्हें हमारे पांचवें बेटे के लिए कोई ऐसी लड़की जच गई है जो हमारी सोच और हमारी चारों बहुओं से मेल खाती हो। तो हमने सोचा देखने में क्या हर्ज है। हाँ हाँ भाई, और इस बार तो खूब अच्छी तरह से ठोक बजा के करना पड़ेगा। आखिर आपके लाडले बेटे की खुशी का सवाल है। हमारे सभी लाडले हैं। वो चारों एक पल्ले में और ये अकेला दूसरे में। आपको जो सोचना है वो सोचिए। गहना बहू। जी मासा। ये ले गहना। निमी बहू मेरा पर्स लेकर आ। और हाँ बाऊ जी लाख जिद करे पर उन्हें रोटी देना, पराठा नहीं। जी मासा। सिमरन बहू आज एकादशी है, पंडित जी सीधा लेने आएंगे तो उन्हें दे देना। जी मासा। और हाँ रिया बहू, वो जो गली में मरा काला कुत्ता है ना, उसे रोटी दे देना, नहीं तो दरवाजे पर आकर रोता रहेगा। निमी बहू, गहना की छोटी ठीक से खा नहीं रही, जरा बहला फुसला कर पूछना कि क्या बात है। जी मम्मी जी। ये दवाई रक्तचाप की, खाना खाने के बाद, और ये हाजमे की गोली है, खाना खाने से पहले मुंह में डाल लेना, और ये पीने वाली दवाई है, खाना खाने के बाद। 10 साल से सुन रहे हैं, अब तो रट गया है। फिर भी आप कहती हैं तो अच्छा लगता है। चार, तीन, दो, एक। निमी बाबू चलो मैं आपको अपनी कल की शॉपिंग दिखा। और मैं तो खुद ही तुझसे पूछने वाली थी कि कल मॉल गई थी क्या क्या लाई। आई लव जयपुर, दो साड़ी के साथ एक फ्री। ओए कुड़िया तेरे तो आश हो गई। मेरे हाथ देखो ना, हमारे हाथ कितने खराब लग रहे हैं। अगर तेरे पास अच्छे रंग की कोई नेल पॉलिश है तो लगा दे, एक बार रसोई में चले गए तो निकल नहीं पाएंगे। डोंट वरी भाभी। अरे गहना बहू, कुछ बाबूजी की भी फिकर है कि नहीं? लाते हैं बाबू सा, लेकिन सिर्फ एक ही मिलेगा, वो भी मासा नहीं है इसलिए। अरे ले तो। तुम सब चलो, हम अभी आते हैं। चलो 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 जल्दी। ये लीजिए बाबूसा। नहीं बाबूसा ये गलत है। गहना भाभी, पता नहीं वो फलों का थैला कहाँ रख दिया।
बस बस ये दोगे बस। प्रणाम। ये कसरी चलो बैठ। महाराज जी, हमारे कार्तिक के लिए कोई छोरी मिली या नहीं? इस बार तो आपको बहुत ही समय लग रहा है। वो इसलिए कि इस बार आपकी अपेक्षाएं अधिक, आपकी चारों बहुएं चार उंगली के समान छोटी बड़ी अवश्य हैं, लेकिन सब एक से बढ़कर एक है। अब आपको उस अंगूठे की आवश्यकता है जो अंगुलियों के साथ जुड़कर ही मुट्ठी बनती है। जी महाराज, प्रभु की हम पर बहुत असीम कृपा है। जब हम अपने बड़े बेटे उत्कर्ष के लिए लड़की ढूंढ रहे थे तो हमारे मन में बस यही एक बात थी कि उसमें बड़ों सा ठहराव और मजबूत आत्मशक्ति और हर पल को हंसते हंसते जीने की भावना हो, और जो दूसरों के सुख दुख को अपने भीतर समेट ले, और ये सभी गुण हमें गहना में मिले। रंग देख के नाश्ता डालना होगा, नहीं तो लकी तो हमारा नाश्ता फेंक ही देगा। ये कमांडो वाला डब्बा हमारी पुलिस वाली के अन्नू का, इसमें नूडल्स। जैना बहू, बेटा जो भी हो जल्दी से ले आ, हमें भूख लगी है। अब आपकी बड़ी बहू गहना तो धरती के समान है, जो सब कुछ अपने भीतर सोख लेती है और फिर भी ज्यों की त्यों शांत रहती। जी महाराज। ये लीजिए बाबूसा। एक पराठा? नहीं बाबूसा, आपको रोटी ही मिलेगी। राम राम बाबूजी। जीते रहो बेटा, जीते। चलता हूँ बाबूजी। सा नाश्ता? मुझे मंडी के लिए बहुत देरी हो रही है, वहीं कुछ खा लूंगा, ठीक है? पर सा... अरे बेटा बहू की तो सुन ले, खाली पेट घर से निकलना अच्छा नहीं होता। बस दो मिनट सा, डब्बे में डाल देती हूँ, रास्ते में दो निवाले खा लीजिए। हाँ कर लेगा। और हमारी निम्मी, दूसरी बहू, बिल्कुल हवा का झोंका। बरसों पहले वो हमारे घर में पड़ोस की बच्ची की तरह खेलने आती थी, और फिर घर की बहू बन गई, तब भी बिल्कुल वैसी की वैसी, बच्चों जैसी, हर समय उत्साह से भरी हुई, घर को गुंजाए रखने वाली। बुढ़िया ये पकड़ो, ये चलिए आगे जाओ, भागो। हाँ ओहो, आए हाय, ये खोते दा पुत्तर हमेशा सोता रहता। चल 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 चल, पहले जाना पड़ेगा, लो जल्दी पकड़ो, जल्दी जाओ। ओए होए, मेरे लाल, मेरे नीले पीले, जल्दी चल, जल्दी जल्दी भागे, मुझे जाना है। एक मिनट, रुको रुको रुको, आराम से बेटा, आराम से। हमारी निम्मी बहू बच्चों के साथ एकदम बच्ची बन जाती है, और हमारे बिट्टू के साथ भी, क्योंकि हमारा बिट्टू घर का सबसे बड़ा बच्चा है। ओहो निम्मी देवी जी, मेरा नाश्ता कहाँ है? ओए हो बिट्टू जी, गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। आजो आजो, जल्दी आजो। ओए ऐसे बैठ। प्रणाम बाबू जी। तेरा हो जी, तेरा हो, बैठो। हेलो जी पराठे, और ये तुम्हारा दही। ओहो निमी जी, मुझे देर हो रही है, पता आज दुकान पे कोई भी नहीं है, भाई साहब ना मंडी गए हुए हैं, आज तो दुकान मुझे ही पूरी की पूरी संभालनी है। अच्छा ओ, बस एक एक निवाला अपने निमी के हाथ से। हाँ मैं पूरा खुद ही ले लेता हूँ, खुद ही खा लूंगा। अच्छा बाबूजी, दो आशीर्वाद। चलो जी, तू फिक्र मत कर बेटा, मैं चला जाऊंगा दुकान,
अकेला नहीं रहेगा वो। लेकिन पंडित जी, हमारे तीसरे बेटे इंस्पेक्टर शिवेंदु ने सारी कसर पूरी कर दी। महाजिद्दी, हमें उसकी बहुत चिंता थी कि कौन इसके साथ निभाएगी। लेकिन सच कहें तो उसकी जोड़ी बनाने में उत्कर्ष के बाऊजी का बहुत बड़ा हाथ है। जब वो अपने दोस्त की बेटी सिमरन को घर की बहू बनाकर लाए तो हमें बिल्कुल भरोसा नहीं था कि वो घर में निभा पाएगी। लेकिन हमारी बहू ने हमें गलत साबित कर दिया। वो तो एकदम शांत और स्थिर है, जैसे झील में ठहरा हुआ पानी। अरे ये क्या सिमरन, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? मुझे आज सीधा हेडक्वार्टर जाना, थोड़ी देर हो जाएगी। चलिए आपको नाश्ता करवा देती हूँ। प्रणाम बाबू जी। जीते रहो बेटा। शिबू, वो दुकान का लाइसेंस रिन्यू करना था बेटा। जी बाबू जी। सिमी तुम देख लेना। जी बाबू जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं करवा दूंगी। हमारी सिमरन चल है, जरा सा छेड़ते ही ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती हैं, जैसे महासागर। हेलो, क्या ये कैसे हो सकता है? अरे बाप का राज है क्या? ठीक है, मैं आकर देखती हूँ। क्या हुआ? अरे बड़ी भाभी, हम औरतें भी ना बनती बहुत हैं, देवी दुर्गा शक्ति, लेकिन हकीकत में हम नाक में नकेल डली गाय ही हैं। अब एक औरत ने शिकायत दर्ज करवाई कि उसका पति शराब पीकर मारपीट करता है। हमने उसे अंदर करवा दिया, लेकिन क्या आज वो छूट गया। क्यों, ऐसा क्यों सिमी? क्योंकि उसकी पत्नी ने केस वापस ले लिया। लेकिन मैं अच्छी तरह जानती हूँ भाभी कि ये जो मारपीट है ना, ये बंद होने वाली नहीं है। खैर भाभी, मैं देखती हूँ क्या किया जा सकता है। लेकिन जब मैंने आपकी चौथी विदेशी बहू रिया की कुंडली और आदित्य के बारे में बात की थी तो आपने भी मेरी वाणी पे शक किया था। जी पंडित जी, एक तो लंदन से आई बहू और दूसरा प्रेम विवाह, ये बात जरा हमारे लिए हजम करना मुश्किल था। और वैसे भी वो तेज मिजाज जैसे भभकती हुई आग, तब हमें क्या खबर थी कि गृहस्थी में धरती वायु और जल के साथ साथ अग्नि की भी जरूरत होती है। और अब हम ये कह सकते हैं कि हमारी गृहस्थी के नियमों में ढलकर रिया भी हमारी तीनों बहुओं जैसी हो गई है। ये मैंने बनाए, टेस्ट करके देखो। यू नो, लंदन में तो हमें बने बनाए रोटी मिलते हैं, रेडीमेड, बस लाओ गरम करो और खाओ। कैसी है? आई नो उतनी अच्छी नहीं होगी जैसे लंदन में मेरी मॉम बना दी थी, पर बस कर अपना ये लंदन पुराण, हाँ मत भुला कर कि तेरा जन्मस्थान इंडिया है। या लेकिन जब मैं 5 साल की... ओए, उसका कोई मतलब नहीं, जन्मस्थान मतलब जन्मस्थान, समझी? निमी बातें बंद, बहुत काम पड़ा है। आदि ये लो। थैंक यू भाभी। रिया, निमी की बातों का बुरा मत मानना, हमारी निमी को तो कुछ ना कुछ कहना ही है। बस वो क्या है ना, नहीं बोलूं तो मेरा मुंह दुखने लगता है, तो मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। आदि ये तुम्हारा डब्बा। थैंक यू भाभी। लीजिए, गई मैडम पीछे पीछे, टाटा बाय बहन झप्पी बाय। अरे ये क्या हुआ? वो गर्मी की वजह से। हाँ वो, I'm sorry, but I promise मैं जल्दी तुम्हारे लिए एसी का इंतजाम करूंगा, okay? You promise? I promise. Okay. अच्छा सुनो। I think बहुत लेट है। Bye. Bye. अब हमारी चारों बहुओं के रूप में चारों आवश्यक तत्व भगवान की कृपा से हमारे घर में मौजूद हैं, और अब हमें पांचवें तत्व यानी आकाश की जरूरत है, जो सबको अपने में समेट ले, जिसमें हमारी सभी बहुओं का योग हो। और वैसे भी पंडित जी, हमारा कार्तिक सभी तत्वों का अनमोल मिश्रण है।
इसलिए उसकी पत्नी भी खास होनी चाहिए। मैं आ गया। धीरे बोल। क्यों भाभी, माँ घर पे थोड़ी ना है। तुझे कैसे पता? अरे भाभी मुझे ना सब कुछ पता होता है। उन्होंने खुद मुझे बताया कि वो सुबह सुबह पंडित जी के पास जाने वाली है मेरे लिए दुल्हन ढूंढने। ओए होए, देखो मेरे देवर के दिल में कैसे लड्डू फूट रहे हैं। क्या निम्मी भाभी, आप भी ना कॉल पे बड़े लालशाल हो रखे हैं। और हो भी क्यों ना भाई, वोटी जो मिलने वाली है। लेकिन कार्तिक ऐसे कैसे बिना उसे जाने, लाइक अरेंज्ड मैरिज। अब भाभी हर कोई आपके जितना लकी थोड़ी ना होता है कि सबकी लव मैरिज हो जाए। वैसे लव में शादी के बाद कर लूंगा। माँ जी तुझे बता के गई हैं, तो फिर तो वो ये भी बता के गई होंगी कि उन्हें कैसी लड़की चाहिए। अरे हाँ बिल्कुल बताया है, माँ को ना ऐसी लड़की चाहिए जो बड़ी भाभी की तरह मुझे स्वादिष्ट खाना खिलाकर सीधा मेरे दिल में उतर जाए और जो निम्मी भाभी की तरह बिल्कुल एक बच्चे के जैसे मुझे लाड प्यार करे। और हाँ, एक ऐसी बीवी जिसे मैं सल्यूट भी कर सकूं। अरे हाँ भाभी, वो मेरे कान भी खींच सकती है। और एक ऐसी लड़की जो रिया भाभी की तरह चांद का टुकड़ा हो, जिसे मैं बस देखता ही रह जाऊं। How sweet. लेकिन किंतु परंतु माय डियर भाभी, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसी लड़की ने आज तक इस पृथ्वी पर जन्म नहीं लिया होगा, तो हमारी माँ को खाली हाथी वापस आना होगा। नहीं गुड्डू, लड़की मिल गई है। भगवान की कृपा से और पंडित जी की कोशिशों से तेरे लिए ऐसी लड़की मिल गई है जैसी हमें चाहिए थी। आज शाम को ही हमें लड़की वालों के घर जाना है। अब यहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा है, जल्दी जा, तैयार नहीं होना क्या? जी माँ, मैं जाता हूँ। गहना बहू, निमी बहू, तुम सब लोग मिलकर के देख लेना कि क्या क्या लेकर के जाना है, और तैयारी कुछ इस तरह से करना कि अगर लड़की पसंद आ जाए तो हम शगुन उसी समय हाथ में धर दें। आई, आ बेटा। नमस्कार। नमस्कार। आइए सब, पधारी है, पधारी है। आओ बेटा आओ। आओ बेटा। बैठिए जी, बैठिए। आप लोगों को यहां पहुंचने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? अरे जी नहीं, पंडित जी ने बहुत अच्छे से पता समझा दिया था। ये हमारा सबसे छोटा बेटा है कार्तिक। जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत थी? बस यूं ही थोड़ा सा। वैसे पंडित जी ने आपकी लड़की की बहुत तारीफ की है, अब हमसे इंतजार नहीं हो रहा। आप लोग नाश्ता कीजिए, हम अभी उसे लेके आते हैं। लीजिए।
चाय बना दो बेटा। थैंक यू। यहां आओ, हमारे पास बैठो। ये लो, ये तुम्हारे लिए है। ले लो बेटा, ये बहुत शर्मीली है। आपको जो भी पूछना है इससे पूछ लीजिए। हम यहां पर इंटरव्यू लेने नहीं आए हैं, हम तो रिश्ते की बातचीत करने आए हैं, जन्म जन्म के रिश्ते की बात। इसलिए हम इस बात पर ज्यादा विश्वास रखते हैं कि होने वाली बहू से पूछताछ करने की बजाय उसे हमें अपने परिवार और वहां के रहन सहन, संस्कारों और मर्यादाओं की उस विरासत के बारे में बताना चाहिए जिसका पालन घर की हर बहू को करना पड़ता है। और हमारे घर की चारों बहुएं पहले से ही इसका पालन कर रही हैं। बड़ों का सम्मान, संयम से काम लेना, रसोई को ठीक ढंग से संभालना, परिवार के हर सदस्य को एक जैसा प्यार देना और घर का हर काम वक्त से करना। और गलती हो जाने पर सच्चाई का सामना करना, ना कि झूठ के पुलिंदे बांधना। क्योंकि हमें झूठ से सख्त नफरत है। कौन हो तुम और इस तरह यहां कैसे चली आ रही हो? हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की?